Hello guys, welcome back to the channel Study Time. Today we are going to continue with SP chapter number 2, that is Sources of Corporate Finance. We are going to start with preference shares. Okay, so we know preference shares are those shares which have preferential right. Preference shares, as the name indicates, these shares have certain preferential right distinct from those attached to equity shares. Okay, matlab प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कुछ अलग राइट्स होती है जो इक्विटी शेयर वालों को नहीं होती, क्योंकि या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो राइट्स नहीं होती वो प्रेफरेंस शेयर्स के पास होती है. द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब जिन शेयर्स के पास ये प्रेफरेंशियल राइट्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिविडेंड पे करने के टाइम पे प्रायोरिटी दी जाती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. जब तक कंपनी चल रही है तब तक इन लोग को पहले डिविडेंड मिलता है, तो दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स. और प्रेफरेंशियल राइट एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. मतलब अगर कंपनी बंद हो गई तो जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पहले इन शेयरों को मिलेगा, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, जिन लोगों के पास प्रेफरेंशियल राइट है टू गेट द कैपिटल. द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायोरिटी राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वालों को राइट होती है कि वो डिविडेंड का एक फिक्स रेट है और उन लोग को वो पहले मिलता है बिफोर एनी डिविडेंड इज पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिलता है. द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू. मतलब जो उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है जो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिलता है वो एट द टाइम ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तभी उनका जो डिविडेंड रेट होता है वो डिसाइड होता है. नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स. ओके, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कुछ वोटिंग राइट्स नहीं होती. They have voting rights only on matters which affect their interest, such as selling of undertaking or changing the rights of preference shares, etc. Or they get voting rights if dividend remains unpaid. Okay, तो preference shares वालों को mostly तो voting नहीं होती है, बस वो vote कर सकते हैं जब उनके साथ कुछ हो रहा है. Like अगर उनके जो preference shares है उसको उन लोग को बेचना है या अंडरटेकिंग करना है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, और या फिर डिविडेंड उन लोग को नहीं मिल रहा, तो ऑन दैट बेसिस दे कैन वोट. ओके, उसी मैटर्स पे वो वोट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दी को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर्स. तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, को ओनर्स. ओके, ऑफ द कंपनी, बट वो कंट्रोलर्स नहीं होते, वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते. These shares are purchased by cautious investors who are interested in safe of investment and who wanted steady returns on their investment. मतलब preference shares पे कौन invest करता है, जिन लोग बहुत cautious होते हैं, जिन लोग को अपना जो पैसा है वो safe रखना वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. ओके, तो उन लोग यहाँ पे preference shares में invest करते हैं क्योंकि उन लोग को returns भी मिलते हैं, मिलते रहते हैं उन लोग को प्रेफरेंस होता है कि उनको रिटर्न्स भी मिले, तो उन लोग प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट इज प्रेफरेंशियल फॉर डिविडेंड. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिविडेंड ले. प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूएबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट. तो उन लोग को प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट चार्ज मिलता है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उन लोग पहले ले सकते हैं. द डिविडेंड इज़ पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज़ पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. तो जब कैपिटल रीपे होता है तो पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. Preference shareholders have a preference over equity shareholders in respect of return of capital when the company is liquidated. मतलब जब कंपनी बंद होती है तो पहले preference shareholders को capital distribute होता है, बाद में equity share वालों को. It saves preference shareholders from capital loss. तो preference shareholders जो होते हैं उन लोग को
कैपिटल लॉस की चिंता नहीं होती। फिक्स रिटर्न्स, दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले होते हैं उनका जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स होता है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज पर डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। ओके, तो जो भी उनका डिविडेंड रेट होता है वो पहले से ही फिक्स रहता है, जब भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तभी उन लोग का डिविडेंड रेट फिक्स होता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, मतलब ये एक फिक्स अमाउंट होता है या फिर परसेंटेज फॉर्म में उन लोग को एक रेट दिया जाता है, 20%, 10%, 5%, ओके, या फिर एक अमाउंट दिया जाता है 500, 1000 रुपीस ऐसे। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है वो सिर्फ जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से ही पे किया जाएगा। इफ़ द डायरेक्टर इन फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम ओवर द डिविडेंड, मतलब अगर डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस वो अभी डिविडेंड नहीं पे कर सकते तो प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल कैसा होता है। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को परमानेंट कैपिटल नहीं देते। दे आर रिडीमेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो उनका कैपिटल होता है वो उन लोग को कुछ समय बाद वापस रीपे किया जाता है। अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और कंपनी इररिमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं क्लेम कर सकती क्योंकि इररिमेडेबल मतलब वो उनको वापस पे बैक नहीं किया जाएगा, तो ऐसे शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेस्ड एट द लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट्स एस्टैब्लिश्ड, तो प्रेफरेंस कैपिटल कभी कंपनी रेस करती है जब भी ऑलरेडी कंपनी इस्टैब्लिश हो चुकी है, उसके बाद ही कंपनी प्रेफरेंस कैपिटल रेस करती है। दिस शेयर्स आर इशू टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर एडिशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो कंपनी प्रेफरेंस कैपिटल क्यों कलेक्ट करती है, क्योंकि अगर कंपनी के कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है तो उसको पूरा करने के लिए प्रेफरेंस कैपिटल जनरेट किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड द मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है वो सेफ कैपिटल होता है क्योंकि उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो भी फिक्स रहता है और जो मार्केट वैल्यू होती है वो भी फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। देन मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड, तो जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की वो चेंज नहीं होती एज द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द लो एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर, तो उनका जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो इक्विटी शेयर से कम होता है। वोटिंग राइट्स, द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होती है। दे डू नॉट एन्जॉय द राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वो जो कंपनी के अफेयर्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजॉल्व ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स, मतलब वो सिर्फ उसी मैटर्स पे वोट कर सकते हैं अगर किसी वजह से उन लोग के राइट्स को अफेक्ट किया जा रहा है तभी वो लोग वोट कर सकते, दैट इज़ चेंज इन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेमेंट टू देम आर इन अरेज फॉर लास्ट टू कंसेक्यूटिव ईयर्स एक्सेट्रा, मतलब अगर कैपिटल रीपेमेंट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर डिविडेंड में कुछ उन लोग को नहीं मिल रहा है तो एट दैट टाइम ओनली दे कैन हैव वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट इज रिस्क, द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो कॉशियस शेयर होल्डर्स होते हैं कि जिन लोग को ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी, उन लोग को अपना पैसा लाइक अच्छी जगह पर सेफली इन्वेस्ट करना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच विद द प्रेफरेंस शेयर्स, तो सेफ कैपिटल और स्टेडी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ये एडवांटेजेस है अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहे हो। दिस शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड एंड इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, बट वेन यू आर टेकिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स ले रहे हो तो इनका जो इन ये शेयर कब बढ़ते हैं, एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन
ये क्या होता है, इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कंटिन्यूसली गिर जाता है। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर देन द इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। दे आर नॉर्मली इशूड एट द फेस वैल्यू ऑफ 100। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन सी वैल्यू से स्टार्ट होता है, फ्रॉम रुपीज 100। राइट्स और बोनस इशू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट और बोनस इशू। मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन लोग को राइट इशू या फिर बोनस इशू नहीं मिलता। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, कि यहाँ पे कौन से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके, मतलब जो मॉडरेट है, जिन लोग को सेफ रिटर्न्स चाहिए, जिन लोग का कैपिटल या फिर जो शेयर्स उन्होंने लिए उन लोगों को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स हु आर कंजर्वेटिव, कॉशियस, इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ द कैपिटल एंड हु वांट स्टेडी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कंजर्वेटिव है, मतलब उन लोग को बहुत क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव प्रोटेक्टिव है, जिन लोग जो बहुत कॉशियस है, जिन लोग को रिस्क नहीं लेना, जिन लोग को अपना कैपिटल सेफ रखना है, जिन लोग को रिटर्न्स जल्दी चाहिए, वो लोग जो है वो परचेस कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। सो यहाँ पे देखो, फोर कैटेगरीज में प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड किया है, और एक्चुअली 8 टाइप्स के अलग अलग प्रेफरेंस शेयर्स है, पर उन लोग को दो दो में कैटेगराइज किया है। जैसे कि क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड रेडिमेबल एंड इररेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन अक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज़ फुल्ली पेड। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं, अगर आप लोग को उनका डिविडेंड नहीं मिला तो जो आपका डिविडेंड है ना वो स्टोर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अक्यूमुलेट किया जाएगा कि इस साल नहीं मिला तो वो ऐसे साइड बाय साइड आपका जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट किया जाएगा। दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज़ नॉट पेड इन वन और मोर ईयर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट देन दिस अनपेड डिविडेंड्स गेट अक्यूमुलेटेड। ओके, मतलब अगर आपका कितने साल भी डिविडेंड नहीं किया, 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि कंपनी की कुछ कंडीशंस थी या फिर उन लोग के पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, तो आपको वो पे नहीं कर पाए, तो आप लोग का वो डिविडेंड आप लोग को बाद में पे किया जाएगा। ओके, और ऐसा मतलब कंपनी के पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपका इतना इतना जो डिविडेंड है वो नहीं पे किया है उन लोग ने। सो दिस अक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज़ पेड व्हेन द कंपनी परफॉर्म्स वेल। तो जब कंपनी के पास पूरा पैसा आ जाएगा या फिर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर देगी, तब वो आपको वो जो डिविडेंड है अक्यूमुलेटेड किया हुआ, जमा किया हुआ, वो आप लोग को पे कर देगी। ओके, द एरियाज ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट हो जाएगा तब पहले कंपनी आपको डिविडेंड दे देगी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट क्यूमुलेटिव ही होते हैं, मतलब उन लोग का डिविडेंड उन लोग को मिल जाता है। ओके, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्टेट किया हुआ है तभी कुछ लाइक नॉन क्यूमुलेटिव वगैरह होते हैं, नहीं तो ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव। इट मीन्स दैट इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड एनी ईयर, द अनपेड अमाउंट इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन अनटिल ऑल द एरीज हैव बीन पेड। तो क्या किया जाता है कि अगर आपको 1-2 साल पेमेंट डिविडेंड का नहीं मिला तो वो अगले साल कैरीड फॉरवर्ड किया जाता है, मतलब इस साल नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा, तो अगले साल का भी उसी साल मिलेगा और जो अभी के साल का नहीं मिला है वो भी आपको अगले साल मिल जाएगा। तो ऐसे जितने साल आपको नहीं मिलता उतने साल कैरीड फॉरवर्ड किया जाता है, और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तब वो पे कर देते हैं ऑल द अरीज आर, मतलब जितने भी साल का आपका बाकी है सब साल का आपको पे किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स डज नॉट गेट अक्यूमुलेटेड, मतलब इनका प्रॉफिट आपको बाद में नहीं दिया जाता। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर। मतलब इस साल का अगर डिविडेंड है तो इसी साल के प्रॉफिट में से आपको मिलेगा। द राइट्स टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स इफ द कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर।
मतलब अगर इस साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा. ओके, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज लॉस्ट फॉर एवर. मतलब अगर आपको इस साल डिविडेंड नहीं दिया मतलब नहीं मिलेगा, इस साल का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर एंटाइटल टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड प्रेफरेंशियल डिविडेंड. ओके, मतलब ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन लोग को सरप्लस प्रॉफिट मिलता है. मतलब इस साल का अगर उन लोग को डिविडेंड मिल भी गया तो भी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में से भी थोड़ा सा इन लोग को मिलेगा. द सरप्लस प्रॉफिट विल रिमेन आफ्टर द डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अप टू सर्टेन लिमिट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ओके, मतलब जो सर्टेन अमाउंट होता है अभी कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है तो सब लोग को डिविडेंड पे किया जाएगा, इक्विटी शेयर वालों को भी पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को, और उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देर इज अ नो क्लियर प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मतलब ऐसे भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया रहता है कि दे आर गोइंग टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग. दीज शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू. मतलब इन लोग को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू, जब भी कंपनी ये शेयर्स देती है तो, और उसी फिक्स रेट में उन लोग को डिविडेंड मिलता है, एक्स्ट्रा या फिर सरप्लस प्रॉफिट में से कुछ नहीं मिलता. नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. तो ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इन लोग को एक राइट होता है कि ये इन लोग के प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. द कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद अ सर्टेन फिक्स पीरियड. ओके, तो इनका जो कन्वर्जन है उसके लिए एक फिक्स पीरियड रहता है, ऑन दैट बेसिस ऑफ पीरियड ही वो प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स में कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. दीज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर्स. ओके, ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. रेडिमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. शेयर्स विच कैन बी रेडिम आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज रेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो रेडिमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इन वाले प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर सकते हो आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. ओके, रिडीम मतलब पे बैक कर सकते हो. अ कंपनी लिमिट्स बाय शेयर्स इफ ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इश्यूज रेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, मतलब कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करता है कि आप रेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो. सर शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड. बट ये जो रेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए. मीन्स फुल अमाउंट जो है वो पेड होना चाहिए. दीज शेयर्स आर रेमेडेबल आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पज़. मतलब ये जो शेयर्स है वो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है ओके, उससे या फिर जब भी कंपनी न्यू हो या फिर फ्रेश इशू करते हैं फर्स्ट इशू ओके, तभी आप ये शेयर्स दे सकते हो. ओके, यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ओके, उसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगी. तो वहाँ पे है आपको कि कंपनी फर्स्ट इशू कब करती है, सेकंड इशू कब करती है, आईपीओ, एफपीओ. ओके, तो जब भी फर्स्ट इशू करती है ना तभी आप रेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज कर सकते हो. देन इररेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स. शेयर्स विच आर नॉट रेडिमेबल दैट इज पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज इररेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो इररेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं कि जो आप कंपनी जब बंद होती है ओके, तभी आपको पे कर मतलब पे बैक किए जाते हैं. ओके, एज पर सेक्शन 551 द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इररेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, तो एज पर द सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उस पर मेंशन किया गया है कि कंपनी अभी इररेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकती. ओके, सो नाउ इट इज़ बैंड टू हैव इररेमेडेबल प्रेफरेंस शेयर्स.